राज्यसभा के प्रत्याशी तय करना है और 13 तारीख लास्ट डेट है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा सदस्य जाने हैं और दोनों कांग्रेस के जाएंगे और इसलिए हाईकमान से चर्चा करने दिल्ली जा रहा हूँ। एमपी में सियासी घमासान बचा हुआ है, वैसा है कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी वरना कोई यूं ही विवाह थोड़ी होता है। ऐसा है बिल्ली के भाग से सीखा नहीं टूटता और मध्य प्रदेश के बारे में ये कांग्रेस से जो जाने वाले लोग हैं वो हमेशा हमने देखा है कि घुर्राते हुए जाते हैं और दूम दबा के आते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बड़े जोर शोर से शोर मचाते हुए गए और दूम दबा के वापस आए। कमलनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए निकले थे जबकि सिर्फ 88 विधायक बैठक में शामिल हुए थे, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस? एक चीज बताओ आप, भाजपा के विधायक दल की बैठक में कितने लोग बैठे थे? कांग्रेस का आंकड़े दिखा रहे हैं लेकिन भाजपा का आंकड़े क्या है? और अभी टेस्ट फ्लोर होने दीजिए, कमलनाथ की सरकार बचेगी। पुनिया जी ने भी सर इस पर ट्वीट किया था, पुनिया जी का ये कहना है कि 15 साल बाद सरकार आई और 1.5 साल में भी हम एक अपने अपने अच्छे नेता को रिटेन नहीं कर पाए। मैं नहीं देखा हूँ उसको। सर क्या लगता है कि सरकार बचेगी? आपका तमाम सरकार बचेगी? अभी अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी कमलनाथ जी के दांव कहाँ सामने आया है। हम लोग मेजबानी पार्टी जो आदेश करें। ठीक है, थैंक यू।